साउथ अफ्रीका में पूरी टीम इंडिया का होगा डेब्यू, क्या सिलेक्टर से हो गई है बड़ी गलती, बताएंगे पूरी खबर। इससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। भारत की युवा T20 टीम का साउथ अफ्रीका दौरा 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। ये सीरीज T20 वर्ल्ड कप 2024 को ध्यान में रखते हुए सभी खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अहम रहने वाली है। लेकिन इस सीरीज के लिए भारतीय सिलेक्टर्स ने एक ऐसी टीम चुनी है जो एक साथ साउथ अफ्रीका में डेब्यू करने जा रही है। भारतीय सिलेक्टर्स ने 30 नवंबर को T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव को दी गई है। वहीं रविंद्र जडेजा को टीम का उप कप्तान बनाया गया था। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने साउथ अफ्रीका में एक भी T20 मैच नहीं खेला है। वहीं इनके नेतृत्व में खेलने वाली पूरी टीम साउथ अफ्रीका की कंडीशन से अनजान है, क्योंकि स्क्वाड में एक भी ऐसा खिलाड़ी शामिल नहीं है जिसने इससे पहले कभी भी साउथ अफ्रीका में T20 मैच खेला हो। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका में अभी तक 7 मैच खेले हैं। इसमें से भारत ने 5 मैच जीते हैं और 2 मैच अफ्रीकी टीम के नाम रहे हैं। टीम इंडिया ने साल 2018 में आखिरी बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके घर में सीरीज खेली थी। तब टीम इंडिया ने 2-1 से बाजी मारी थी। वहीं दोनों टीमों के बीच अभी तक 24 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 13 और साउथ अफ्रीका ने 10 मैचों में जीत हासिल की है। एक मैच बेनतीजा भी रहा है। T20 सीरीज के लिए भारत की टीम की अगर हम बात करें तो उसमें है यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक राज वर्मा, सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान है, रिंकू सिंह, सुरेश अय्यर, ईशान किशन विकेटकीपर, जितेश शर्मा विकेटकीपर हैं ये भी, रविंद्र जडेजा उप कप्तान, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, दीपक चार। और दोस्तों अगर हम बात करें भारत में साउथ अफ्रीका के T20 सीरीज का शेड्यूल की तो 10 दिसंबर को पहला T20 डरबन में होगा और 12 दिसंबर दूसरा T20 कके बरहा में और 14 दिसंबर को तीसरा T20 जोहान्सबर्ग में। दोस्तों ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।